राजगृही नगरी में राजा श्रेणिक और रानी दारिणी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक रात को स्वप्न में रानी दारिणी मुंह में हाथी को प्रवेश करता देखती है। रानी धारिणी से स्वप्न की बात जानकर राजा श्रेणी कहते हैं, रानी आप हाथी जैसे बलवान पुत्र रत्न को जन्म देंगे। गर्भ में पल रहे जीव के प्रभाव के कारण रानी धारिणी को बारिश में स्नान करने की इच्छा होती है। माता धारिणी की इच्छा पूर्ति हेतु अभय कुमार देव की आराधना करते हैं। देव प्रसन्न होकर अभय कुमार को वरदान देते हैं। वरदान में अभय कुमार बारिश बरसाने की मांग करते हैं। देव के प्रभाव के कारण बारिश होती है। रानी धारिणी उसमें स्नान कर अपनी इच्छा पूरी करती है। 9 महीने पूर्ण होने पर रानी धारिणी पुत्र रत्न को जन्म देती है। पुत्र का नाम रखा जाता है मेघ कुमार। मेघ कुमार जब युवान होते हैं तब 8 राजकन्याओं के साथ धामधूम से विवाह होता है। इस समय के दौरान परमात्मा श्री महावीर स्वामी राजगृही नगरी में पधारते हैं। परमात्मा की देशना सुनकर मेघ कुमार को वैराग्य होता है। माता धारिणी और पिता श्रेणिक से मेघ कुमार दीक्षा की अनुमति मांगते हैं। तब राजा श्रेणिक शर्त रखते हैं और कहते हैं, एक बार तुम्हें राजा के रूप में देख लूं, फिर तो दीक्षा ले लेना। मेघ कुमार का राज्य अभिषेक होता है। वे राजा मेघ कुमार बनते हैं। राजा मेघ कुमार परमात्मा महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेते हैं। राजा मेघ कुमार बनते हैं मुनि मेघ कुमार। दीक्षा की प्रथम रात को मुनि मेघ कुमार संथारा करते हैं। संथारा के पास में ही दरवाजा होने के कारण आने जाने वाले साधुओं के पैर मुनि मेघ कुमार से टकराते हैं और संथारा में धूल चिपक जाती है। इस कारण मुनि मेघ कुमार को दुर्ध्यान होता है, संयम से विचलित हो जाते हैं। सुबह में मुनि मेघ कुमार परमात्मा के पास जाते हैं। तब परमात्मा कहते हैं, मेघ मुनि आपके मन में चलने वाली सोच को केवल ज्ञान से मैंने जान ली है। यदि आप पूर्व भव को याद करेंगे तब उसके सामने आज का दुख आपको मामूली लगेगा। परमात्मा मेघ कुमार को उनके पूर्व भव सुनाते हैं। वैताड्य पर्वत पर मेरु प्रभ नामक हाथी था। एक बार जंगल में आग लगती है। अतिशय गर्मी के कारण हाथी को प्यास लगने पर वो सरोवर पर जाता है। वहां दूसरा हाथी मेरु प्रभ को दंतशूल से विंध देता है। भूख प्यास से दुखी मेरु प्रभ हाथी की 7 दिन के बाद मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद विध्यंग पर्वत पर हाथी बनता है। उसे अपना पूर्व भव याद आता है। इस भव में आग से बचने के लिए वह पेड़ पौधों की सफाई कर 3 बड़े मैदान बनाता है। एक बार आग लगती है तब हाथी जीव बचाने के लिए मैदान में जाते हैं। वहां देखता है तो पूरा मैदान पशु पक्षियों से भरा पड़ा है। स्वयं के लिए सिर्फ 4 पैर रखने की ही जगह है। हाथी वहां खड़ा हो जाता है। खुजली आने पर हाथी पैर थोड़ा ऊपर उठाता है। इतने समय में वहां एक खरगोश आकर बैठ जाता है। खरगोश का जीवन बचाने के लिए हाथी अपना पैर ऊपर ही रखता है। 2.5 दिन के बाद दावानल शांत होने पर सभी जीव चले जाते हैं। हाथी चलने का प्रयत्न करता है लेकिन पैर में जकड़न होने के कारण वह गिर जाता है। 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु होती है। परमात्मा महावीर स्वामी मुनि मेघ कुमार को कहते हैं, वह हाथी दूसरा कोई नहीं आप स्वयं ही है। एक खरगोश के जीव की रक्षा करने पर आप राजकुमार बने, फिर संयम का पालन कर सर्व जीवों की रक्षा का कितना सुंदर फल प्राप्त होगा। परमात्मा के उपदेश से मुनि मेघ कुमार संयम में स्थिर हुए। निर्मल संयम का पालन कर 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर अनुत्तर देवलोक में
उत्पन्न हुए। वहां से महावीदेव में जन्म लेकर दीक्षा का पालन कर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, जैन धर्म का आधार है अहिंसा, यानी कि किसी भी जीव की हिंसा ना करें। आप भी छोटे से छोटे चींटी, मच्छर आदि जीव की रक्षा करें और नॉन वेजिटेरियन, जिलेटिन आदि पदार्थों की मिलावट वाली बाजारू चीजें नहीं खाएंगे, तब आप भी मेघ कुमार बन पाएंगे।